हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम द भरत पटेल ऑफिशियल हियर गोइंग टू जो 12th इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इसके बिफोर हम देखते हैं कुछ कमेंट्स। तो दिया अग्रवाल का कमेंट आया था, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है PYQ सीरीज बोलते हैं, हम जल्द ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा क्योंकि मेरा जो है हेल्थ अच्छा नहीं था, इसके लिए 10 डेज का मुझे रेस्ट बोला था, इसलिए कुछ दिन गए थे। ठीक है, उसके बाद साहू का जो कमेंट आया था, सर PYQ अपलोड कीजिए। हाँ श्योरली PYQ विल बी अपलोडेड टू द चैनल। ठीक है, उसके बाद जो है डायरेक्ट का आया था कि 11th का भी सिलेबस सीखाओ। तो 11th का जो सिलेबस होता है वो थेरी पार्ट होता है बहुत का, तो थेरी पार्ट के आप पढ़ के समझ सकते हो। मगर अगर आपको इसमें कुछ अड़चन आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मनस्वी का आया था, थैंक यू सर, वेलकम फॉर योर कमेंट्स एंड अच्छी कमेंट्स आपने डाली थी। ठीक, सर आप रेडियस पार्ट भी सिखाते हो क्या? हाँ सिद्धू, हम रेडियस पार्ट भी सिखाते हैं, हम पूरा सिलेबस सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आयुष गुप्ता का आया था, सर पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर वो कब आएगा? तो जल्दी आएगा, पार्ट सेकंड में अभी ख़त्म करने वाला हूँ, इन नवंबर में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मनस्वी का भी आया था कमेंट्स, ठीक है, उनको भी मैंने उसी 2 वीक्स एगो जो है रिप्लाई दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब हो गई कमेंट्स की बात, अभी हम सीधा जाते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये कंप्यूटर फंडामेंटल ये जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक टॉपिक है और स्कोरिंग भी है इसमें, आपको कोई भी ऐसी परेशानी आने वाली जो है नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं कि 7 नंबर का चैप्टर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल है। ठीक है, सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट में ठीक है दे दूंगा। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंट्रोडक्शन में आफ्टर द स्टडी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंटेनिंग डिजिटल सर्किट, 11th में हमने बहुत से हार्डवेयर की स्टडी की थी। ठीक है, आप थ्योरी पार्ट में समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है हम अभी कंप्यूटर हार्डवेयर जो डिजिटल सर्किट है उसके बारे में हम स्टडी करवा लें। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस पेपर, इस पेपर के एंड तक लास्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस द कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंक्लूडिंग जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर विद इनपुट आउटपुट एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। हम इसमें ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस इनका जो इंटर कम्युनिकेशन कैसा चलता है वो हम सभी अभी देखने वाले हैं। ठीक है, दिस टॉपिक आल्सो कंटेन द सेकेंडरी मेमोरीज एंड अबाउट द PC स्पेसिफिकेशन। PC का मतलब होता है कि पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर दैट इज PC। दिस चैप्टर एक्सप्लेन ओनली द मोस्ट पॉपुलर कॉमन IO डिवाइसेज कॉल ऑक्सिलरी डिवाइसेज। ठीक है, हम इसमें ऑक्सिलरी डिवाइस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आफ्टर द कंप्लीटिंग द टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड दैट द कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन दैट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा प्रोसेसेज इट सेंड इट टू अ डिस्प्ले विद रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर होता है, ठीक, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर दो टाइप से होता है, एक तो PC होता है, PC मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर है, और जो दूसरे टाइप का कंप्यूटर होता है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम यूज़ में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लैपटॉप भी होता है। ठीक है, लैपटॉप भी हम यूज़ करते हैं, और हमारे घर में जो है डेस्कटॉप PC हम बोलते हैं। डेस्कटॉप PC मतलब जो डेस्कटॉप पे रखा हुआ होता है, जो टेबल के ऊपर रखा होता है। ठीक है, एक लैपटॉप है और ये डेस्कटॉप है। ठीक है, ये दोनों ही डिजिटल मशीन है, उस पर हम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक्सेप्ट करके उस पर डेटा को प्रोसेस करता है और आपको उसको जो है देता है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मैंने रिकॉर्डिंग पूरी की थी और उसके बाद जो है वो चली गई। ठीक है, अभी हम फिर से देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, उसके अंदर 7.1 ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, द कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 फंडामेंटल सेक्शन, उसके अंदर जो है 5 फंडामेंटल सेक्शन होते हैं। द सीक्वेंस इज रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और कमांड, जो इनपुट के अंदर जो कमांड आती है वो, इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन सम वे अकॉर्डिंग टू द कमांड और द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी जो है इनपुट आती है, इनपुट आने के बाद जो उसे प्रोसेसिंग होते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, ये सब जो है CPU के अंदर होता है, इन द CPU एंड इन द प्रेजेंट इन द रिजल्ट इन यूजफुल फॉर्म दैट इज आउटपुट। ठीक है, इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर। ठीक, आउटपुट कैसा होता है, हमारा यूजफुल होता है। ठीक है, यूजफुल आउटपुट होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है। इट शोज 5 ब्लॉक्स,
उसके अंदर फाइव ब्लॉक्स होते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइस है मतलब कि माउस है, जो मैं राइट कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो राइटिंग पैड है, राइटिंग पेन है, वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर आता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। अभी आता है उस थर्ड आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेज मतलब क्या होते हैं, प्रिंटर हो सकता है, जो हमारा डिस्प्ले है जो आउटपुट देता है हमको, ठीक है, वो जो पिक्चर दिखाता है वो आउटपुट है, जो प्रिंट होने के बाद जो प्रिंट मिलती है हमको पेपर में वो आउटपुट है। उसी तरह से एड्रेस एंड डेटा बस, जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं पीसी से हमारे पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है, उस तरह से वो डेटा बसेस है। और उसके बाद है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब कि जो कुछ भी इमेजेस है, डेटा है, प्रिंट आउट है, जो कुछ भी हम वो सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, तो वो मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। अभी कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल सिस्टम्स आर नॉट कवर इन दिस टॉपिक, देयर आर द इंटायर बुक्स अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, हियर लेट अस सी द ब्रीफ आइडिया एंड द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। हम बहुत ही डिटेल में नहीं देखने वाले, पर हम ब्रीफ आइडिया तो बिल्कुल लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे, ब्रीफ आइडिया लेंगे, ठीक है। उसके लिए ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, कौन सी ब्लॉक डायग्राम है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉक्स है ना यहाँ पर, ये बॉक्स, इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे घर में अगर कंप्यूटर होगा तो सीपीयू जो है बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पर आउटपुट, आउटपुट के अंदर क्या आता है, आउटपुट के अंदर डिस्प्ले आता है जी, डिस्प्ले आता है, प्रिंटर आता है, इनपुट के अंदर क्या आता है, माउस आता है, जो मैं राइट कर रहा हूँ राइटिंग पैड आता है, उसके बाद इनपुट में कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड के अंदर भी मैं इनपुट दे सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप और कंप्यूटर अगर टच स्क्रीन है तो वो टच स्क्रीन का टच का डिस्प्ले आता है, वो इनपुट में आ गया, तो इनपुट के अंदर जाएगा, कंट्रोलिंग होगी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब ALU में जाएगा, उसके बाद उस मेमोरी में अगर सेव करना है तो सेव होगा, और उसके बाद जो है ऑक्सिलरी मेमोरी में परमानेंटली सेव होगा, या फिर हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। इस तरह से वो ब्लॉक डायग्राम, ये पेपर में आती है, ब्लॉक डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है इनपुट डिवाइस, जो मैंने अभी बताया, इनपुट डिवाइस मतलब इन डिजिटल कंप्यूटर, सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिल है, वो हार्ट है, वो सभी चीज़ें को क्या करता है, प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। IO devices act as the interface between the main and computer machine. जो हम हैं, हमारी मशीन है, उनके अंदर का जो इंटरफेस है वो CPU की मदद से, जो इनपुट devices की मदद से और ही घना होता है, ठीक है। The function of input devices is to give information into CPU. CPU के अंदर जो है वो information feed करता है। The information is sent by electrical pulses in the form of 0 and 1. 0 and 1 के form में जो है pulses आती है, तो ये 0 एंड 1 क्या है, 0 और 1, 0 1 1 1 0 1, तो ये जो है वो डेटा है, कौन सा डेटा है, तो ये बाइनरी डेटा है। अगर आपको बाइनरी डेटा नहीं पता तो आप मेरा जो है नंबर सिस्टम वाला जो वीडियो है, नंबर सिस्टम वाला जो वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो देखिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनरी डेटा क्या होता है और इसकी जो है कन्वर्जन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस इज गिवन इन द कोडेड फॉर्म और विद द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय अवर ह्यूमन एंड कंप्यूटर। हमको और कंप्यूटर को एक ही भाषा थोड़ी ना आती है, हमको जो लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, वो कंप्यूटर को ही आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। कंप्यूटर को आती है बाइनरी लैंग्वेज, जो है डेटा, बाइनरी डेटा, तो वो 0-1 के फॉर्मेट में आता है, कंप्यूटर को वो समझ में आता है, वो कंप्यूटर फास्टली वर्क करता है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस, बहुत नंबर ऑफ डिवाइसेस है, विच इज कैन बी यूज्ड एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, नोन एज द पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब वो एक तो इनपुट हो सकते हैं या फिर आउटपुट होते हैं, दोनों में से ही एक होते हैं, ठीक है, वो डिवाइस होते हैं। इट मे बी इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर फ्लॉफी डिस्क का जो है इमेज दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो है माउस है, यहाँ पर ये कीबोर्ड है, यहाँ पर ये डिस्क है, यहाँ पर जो है डिस्प्ले, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर के साथ साथ कीबोर्ड भी है, और ये जो है एक प्रिंटर का जो है इमेज दिया हुआ, ये पेरिफेरल डिवाइस है, IO डिवाइस है, मतलब कि ये एक तो ये इनपुट है या फिर आउटपुट है, हम देख सकते हैं। ये जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है इनपुट है, ये जो डिस्प्ले है वे आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, ये हमारे लिए यूज़ होते हैं, ठीक है।
हमारी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अभी ये कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑन द लाइन डिवाइस लाइक अ टाइपराइटर, टाइपराइटर के जैसा कीबोर्ड होता है। पंच्ड कार्ड, द ओल्ड डिवाइस अ कार्ड पंच्ड विद कोडेड होल्स, ठीक है। एक पंच कार्ड का जो है इंस्ट्रूमेंट होता था, वो जो पेजेस पे जो है कार्ड में जो पंचिंग करता था एक स्पेसिफिक कोड को, ठीक है। MICR, इट इज अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब कि MICR मतलब कि अगर एक आधा पेपर है, पेज है, यहाँ पर मार्किंग होती थी, तो इन स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने के लिए MICR जो है यूज़ किया जाता है। बाद में है माउस, माउस मतलब कि वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो है उसका कर्सर को मूव कर सकता है, मतलब कैसे, ये कंप्यूटर का जो है रेक्टेंगल डिस्प्ले है, ठीक है। और हमको क्या पता है, ये जो ऊपर वाली होती है वो जो है वाई एक्सिस होती है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है और जो नीचे वाली है ये एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पर जो है माउस का पॉइंटर कहाँ भी आ सकता है, माउस का पॉइंटर को हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है, कर्सर कहाँ भी जा सकता है। उसके बाद है लाइट पेन, इट इज़ अ पेन शेप डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन, ये पेन शेप की जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल स्कैनर, इट इज यूज टू कन्वर्ट इमेजेस, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स इनटू कंप्यूटर डेटा, जो कुछ भी डेटा हमारे पास है, जो सॉफ्ट कॉपी हमारे पीसी में है, वो पहले हार्ड कॉपी थी, ठीक है। हार्ड कॉपी मतलब कि एक पेज में थी, इस पेज को हमने क्या किया, प्रिंटर के जो ऊपर वाला जो स्कैनर होता है उसके ऊपर रख दी, वो स्कैन होने के बाद जो है पीसी के अंदर चला गया, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ओके। उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि CPU, द कंट्रोल यूनिट टुगेदर विद ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द इंटरनल मेमोरी फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो सीक्वेंस है, जो एल्गोरिदम्स है, उनका मेल किसके साथ, इंटरनल मेमोरी के साथ, जो भी डेटा उनमें सेव है, जो डेटा उसमें लिखने वाला है उस मेमोरी के साथ, तो ये CPU है। इन द मेन हार्डवेयर वेर इट परफॉर्म लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, इनके बीच में लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद आता है उसी का पार्ट, CPU के अंदर आता है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट मतलब इट इज़ द कंट्रोलिंग एंड द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस इन CPU। CPU के अंदर वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, किसको, इंस्ट्रक्शन को, वेरियस इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन कौन देता है, हम देते हैं, ह्यूमंस देते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन व्हेन रिसीव फ्रॉम इनपुट द इंस्ट्रक्शन आइदर कैलकुलेशन और कंपेरिजन, ये कैलकुलेशन हो सकते हैं, कंपेरिजन हो सकती है, इज रिक्वायर्ड टू पास द डेटा, इस डेटा को पास करने के लिए ये इम्पोर्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है, टूवर्ड्स आउटपुट, किसकी तरफ, आउटपुट की तरफ। हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको आउटपुट चाहिए, हमारा यूजफुल आउटपुट चाहिए इसलिए, ठीक है। ऑल वी फाइंड दैट कंट्रोल यूनिट इज डिजाइन टू कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन स्टोरेज एंड द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा, ठीक है। वो डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, मूवमेंट को एनालाइज करता है, इंटरनल स्टोरेज में सेव करता है, इसी की वजह से हैंस इट इज़ अ नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। आपको क्वेश्चन आ सकता है, Why the control unit is called a nervous system of computer? या फिर क्या होता है, Who is the nervous system of computer? आपको बोलना है CPU, the control unit, the central processing unit is the nervous system of computer। जैसे ही human के body में nervous system बहुत ही important role करता है, उसी तरह से computer के अंदर जो है CPU का role वैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल मेमोरी, इसके अंदर ही इंटरनल मेमोरी यूनिट, इट इज़ अ स्टोरेज एरिया फॉर द डेटा एंड प्रोग्राम। ALU, द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, नीड्स डेटा अपॉन विच टू एक्ट एट द इंस्ट्रक्शन एज हाउ एक्ट, मतलब कि हमारे अगर कंप्यूटर में यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब होता है कि प्रोग्राम को क्लोज करना है, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब होता है प्रोग्राम को मिनिमाइज करना है। अगर मैंने कर्सर माइनस के ऊपर लेके गया और मैंने अगर जो है लेफ्ट क्लिक कर दी, तो क्या होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करना करेगा, तो ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट डिसाइड करेगा, और ये डिसाइड करेगा हर बार, तो इसे बताने की जरूरत नहीं ना, तो इसे सेव करना पड़ता है, तो ये कहाँ पर सेव करेगा, इंटरनल मेमोरी यूनिट में। क्या सेव करेगा, अगर कर्सर माइनस में आया, लेफ्ट क्लिक हुआ, तो मिनिमाइज हो जाएगा प्रोग्राम। अगर कर्सर का जो है रेक्टेंगल में आया, लेफ्ट क्लिक किया, तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर वो कर्सर क्रॉस में आया, लेफ्ट क्लिक किया, तो क्लोज हो गया। ये
ये जो प्रोग्राम से जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंटरनल मेमोरी यूनिट में सेव हो जाते हैं ALU के अंदर। देयर आर ऑब्टेन फ्रॉम मेमोरी यूनिट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लोकेशन। द मेमोरी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, मेमोरी जो है टू टाइप्स की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम एंड रोम इनको मैं साइड बाय साइड समझाता हूँ, ठीक है। रैम मतलब होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है टेम्पररी स्टोरेज, रोम होती है परमानेंट स्टोरेज। एंड जब ही स्विच ऑफ हो जाता है, रैम के अंदर का डेटा लॉस्ट हो जाता है, मगर रोम के अंदर का डेटा कभी भी ऐसे लॉस नहीं होता। इट कैन नॉट बी अफेक्टेड, इट कैन नॉट बी अफेक्ट द इंफॉर्मेशन व्हेन द स्विच इज ऑफ, ठीक है। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड फ्रेश इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटर्न इनटू अ रोम, ठीक है। ALU arithmetic logical unit इसी के अंदर आता है। This handle both the arithmetic and logical operations on which merged computer program is based। computer program किस पे बेस होता है, logic पेर बेस होता है। एक होने के बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या, ये algorithms है, ये arithmetics है, उन पे कौन बेस है, दो कंप्यूटर पूरा बेस है। तो ये arithmetic logical unit का बेसिक है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स लाइक एडर्स सब्ट्रैक्टर कंपैरेटर्स, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपका उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है, इट इज अ लिंक बिटवीन द मशीन एंड यूजर। नंबर ऑफ डिवाइसेज आर यूज्ड सच एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कि हमारा डिस्प्ले कंप्यूटर का डिस्प्ले। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर ही एक प्राइट था, इंकजेट प्रिंटर, HP के इंकजेट प्रिंटर आते हैं मार्केट में, इस तरह लेजर प्रिंटर, कैनन के लेजर प्रिंटर आते हैं मार्केट में, प्लॉटर, COM कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ये जो है सब आउटपुट डिवाइस है, मतलब कि हम इसे यूज़ करते हैं एज अ आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में से डेटा को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद आता है एड्रेस एंड डेटा बस। ऊपर के जो है 6 एग्जांपल में से 3 एग्जांपल को ध्यान में रखो, ठीक है। एड्रेस एंड डेटा बस एज शोन इन फिगर 7.1, द डिवाइसेज एंड CPU आर इंटरकनेक्टेड विद द टू ग्रुप्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स कॉल एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो इसमें जो है एक तो होता है एड्रेस बस और दूसरा होता है डेटा बस, ठीक है। एड्रेस बस डेटा बस, एड्रेस बस जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल, डेटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। द एड्रेस बस इज यूनी डायरेक्शनल बस एंड CPU सेंड्स एड्रेस रिक्वायर्ड टू मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस, इट सेलेक्ट्स द रिक्वायर्ड सर्किट बाय सेंडिंग एप्रोप्रिएट एड्रेस, ठीक है। हमारे पास जो CPU है, यहाँ पर मैंने प्रिंटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटर है और ये CPU है, ठीक है। CPU यहाँ पे से जो है यूनिडायरेक्शनल एड्रेस जाएगा, क्या जाएगा कि मुझे ये पेज को प्रिंट करना है। तो ये गया प्रिंटर के अंदर, कैसे गया, तो वायर के अंदर से गया। तो वायर के अंदर कैसे गया, तो एड्रेस। तो ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर का जो डिजिटल डेटा है वो कन्वर्ट हो रहा है एनालॉग डेटा में। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब कि जो डिजिटल डेटा है वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है, DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग सर्किट, बाद में ADC एनालॉग टू डिजिटल सर्किट। ये DAC और ADC नाम का चैप्टर 6 नंबर का चैप्टर जो है हम आपको पढ़ा सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप जाके DAC और ADC चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। एग्जांपल, इट इज अ 16-bit देन इन द CPU कैन एक्सेस 2^16 दैट इज 64K मेमोरी, ठीक है। 16-bit के कंप्यूटर आते हैं, ये मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी है, ठीक है, विड्थ ऑफ एड्रेस बस। अभी तो डेटा बस है, इज अ बाई डायरेक्शनल बस, सो CPU डेटा कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द CPU। द डेटा बस डिसाइड CPU कैपेसिटी, जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, वो डेटा लेके भी आती है और जाती भी है, ठीक है। वो CPU के अंदर 8-bit CPU होता है, 6-bit CPU, 32-bit और सो ऑन। हमारे यहाँ पर जो लैपटॉप होते हैं वो साधारणतः 64-bit में काम करते हैं। जो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, वो जो है 64-bit में बहुत ही आसानी से वर्क कर जाता है। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ CPU हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी सो प्रोवाइड बेटर एक्सेस एंड मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी कॉल सेकेंडरी मेमोरी एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद CPU लाइक अ हार्ड डिस्क।
जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वो ऑक्सिलरी मेमोरी होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत ही कम स्टोरेज पाए जाते हैं, क्योंकि जो मदरबोर्ड होते हैं मदरबोर्ड के अंदर एक थोड़ी सी मेमोरी होती है, 1 GB की मेमोरी होती है या फिर 2 GB की मेमोरी होती है, तो इनमें से जो है कुछ ऐसा ज़्यादा हम वर्क नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। तो हार्ड डिस्क 1 TB की यूज़ करते हैं, 2 TB की यूज़ करते हैं, 6 TB की भी हार्ड डिस्क आती है। 6 TB मतलब कि 6000, ठीक है, और 1 TB मतलब कि 1000 रफली, ठीक है, उसका एक्चुअल होता है 1024 GB, ठीक है, GB इतना, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, उसके बाद आती है सेमीकंडक्टर मेमोरीज 7.2। सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा का अगर आपको स्टोर करना है तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर द बेस्ट। मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क आर द मोस्ट वाइडली, बहुत ही वाइडली यूज होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी हैज रिप्लेस द ओल्डर डिवाइस ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ICs। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो साटा डिस्क होती है, वो जो SSD होती है, ठीक है, SSD होती है, ठीक है, लार्ज कैपेसिटी रिलायबल वर्किंग, वो उसकी कैपेसिटी कैसी होती है, बड़ी हो जाती है, रिलायबल वर्किंग, वर्किंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। और मेन बात क्या है, स्माइल, जो स्मॉल साइज है IC की, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आपको IC का मतलब नहीं आता, अगर आपको इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्फ्यूजन है, तो आप सेमीकंडक्टर एंड IC मेरा चैप्टर है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। सेमीकंडक्टर एंड IC में दो पार्ट है, Part 1 and Part 2, देख लेना, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको वन जो है मैंने वन शॉट के दो डाले हैं, Part 1 and Part 2, आप देख लेना, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज एरे ऑफ अ मेमोरी सेल, मेमोरी सेल के एरे होते हैं, मतलब कि क्या, हम पेन ड्राइव होता है, हमको 8 GB का पेन ड्राइव आता है, 16 GB का पेन ड्राइव आता है, 64 GB भी आता है, 32 GB आता है, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एक ही जो है प्लेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 32 32 32 32 32 32 लगा दिए, तो ये क्या हो गया, मेमोरी के एरे को हमने एक सिलिकॉन चिप के अंदर फिट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको लार्ज कैपेसिटी मिल जाती है एक ही जगह पे, ठीक है। मेमोरी सेल इज अ फ्लिप फ्लॉप केबल of storing 1 bit information, ठीक है। Semiconductor memory chips are available in various configurations. Their capacity specified in the terms of bytes. That is 1K, 32K byte, 64 KB, 1 MB, 1 GB and etc. Where the 1K memory chip is a memory base that 1024 still, ठीक है, 1024. इस 24 को ही ध्यान में रखना। अगर आपका जो जियो है, एयरटेल है, वो आपको 1 GB पर डे डेटा देता है, तो इसका मतलब कि वो आपको 1000 MB नहीं देता, वो आपको 1024 MB देता है, ठीक है, ये 24 MB भी देता है, ठीक है। उसके बाद जो है रैम्स, रैम मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में आते हैं स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रोम में आता है मास्क रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईएपी रोम, हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये जो रैम एंड रोम है ना, इसका जो फ्लो चार्ट पेपर में आता है, ठीक है, आपको फ्लो चार्ट याद में रखना है, ठीक है। टाइप्स में रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस मेमोरीज आर आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी, और स्क्रैच पैड। स्क्रैच पैड मतलब क्या होता है, हमको राइटिंग पैड मतलब पता है, ठीक है, हमको जो है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पता है, ब्लैक बोर्ड में हम क्या लिखते हैं, कुछ भी ऐसे लिख रहते हैं, डस्टर लेने के बाद हम उससे पोछ सकते हैं, उसी तरह के रैम में भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द बाइनरी डेटा ऑन द मेमोरी और द रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी और फ्रॉम अ रैंडम लोकेशन, किसी भी रैंडम लोकेशन के अंदर हमको अगर डेटा रीड करना है, डेटा को राइट करना है, हम इजीली कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ये रैम की वजह से होता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द डेटा फ्रीक्वेंटली, बहुत ही जल्द जल्द हम चेंज कर रहे हैं, या हम इंस्टाग्राम से स्टोरी ले रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक में से वीडियो ले रहे हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में से कॉपी कर रहे हैं, टेलीग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम से ले रहे हैं, ट्विटर में डाल रहे हैं, ये सब रैम में चलता है, रैम में फास्ट फास्ट वर्किंग होता है। ईच रैम सेल इज सिंपल बायपोलर और मॉस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये बायपोलर है, मॉस फ्लिप फ्लॉप के अंदर काम करता है। सिन द लॉस ऑफ पावर मीन्स लॉस ऑफ डेटा, When the supply becomes off, whatever data is stored in the RAM is lost. जो कुछ भी डेटा RAM में स्टोर है, पावर कट हुआ, डेटा लॉस हुआ। ROM में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज द नोन एज अ वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मतलब कि वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जा रही है, क्योंकि हमने पावर सप्लाई को बंद कर दिया। अगर मेरा पावर सप्लाई चालू है तो मेरी जो है मेमोरी साबुत है, अगर मेरा पावर सप्लाई बंद हुआ तो मेमोरी खत्म हुई। ये होता है रैम के अंदर, रोम में ऐसा नहीं होता, ROM में ऐसा नहीं होता,
ये जो वोलाटाइल है वो आर ए एम के अंदर होती है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रैम इज अ कैलकुलेटर मेमोरी, इट इज अ रैंडम एक्सेस टाइप, रैम कैन बी ऑफ द टू टाइप्स। जो कैलकुलेटर में जो यूज होती है वो रैम होती है, क्योंकि कैलकुलेटर अगर हमारे घर में अगर दुकान है कुछ भी स्टोर है तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर देख सकते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 से कैसे होता है, प्लस माइनस का यहाँ पर सिम्बॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने के बाद हम याद थोड़ी ना रखते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर भी याद नहीं रखता कि हाँ पिछली बार ना 24,000 का हमने ईएमआई रखा था, ऐसे थोड़ी याद करता है कैलकुलेटर, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि रैम पे वर्क करता है। ठीक है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम दो टाइप की रैम होती है। उसमें जो स्टैटिक रैम होती है ना वो फास्टर, दिस मेमोरी आर फास्टर देन डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम पे स्टैटिक रैम फास्ट होती है, हायर कैपेबल। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन, पावर अगर ऑन होगा तभी ये स्टैटिक रैम जो है चलेगी। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेट और रिसेट फ्लिप फ्लॉप अगेन एंड अगेन, इसके वजह से इसको जो है फ्लिप फ्लॉप अगेन एंड अगेन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। इन दिस केस ड्रॉबैक इज सिंस मेमोरी इज ऑन लॉन्ग एज सर्किट इज ऑन, आपको मेमोरी ऑन चाहिए सर्किट ऑन चाहिए, सर्किट ऑन लगेगा पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, बहुत ही जो है पावर कंजम्पशन लेता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी मतलब इस डायनेमिक मेमोरी स्टोर डेटा इज स्टोर अगेन एंड अगेन इन पर्टिकुलर रेट। ठीक है, हमारे घर में अगर कोई सा बच्चा है हम उसे बोलते हैं छोटू जाके पानी ला, वो क्या करता है सुनता है करता नहीं, उनको बार बार बताना मतलब छोटू पानी ला ना भाई, भाई पानी ला, ऐसे दो बार तीन बार चार बार बोलेंगे ना उसके बाद जाके वो छोटू जाके पानी लेके आता है। उसी तरह से डायनेमिक रैम का हमको क्या करना है, डेटा अगेन एंड अगेन स्टोर करना पड़ता है, स्टोर किया स्टोर किया स्टोर किया, जब तक नहीं मिल जाता तब तक स्टोर करते रहना। इसकी वजह से दीज आर नॉट कैपेबल टू स्टोर डेटा मोर देन अ टाइम, वो बहुत टाइम तक जो है डेटा टाइम स्टोर नहीं करता। दिस इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, इट डिस्चार्ज विद इन मिली सेकंड्स टाइम, मिली सेकंड के भी पहले जो है डिस्चार्ज होता है। हेंस मेमोरी कंटेंट्स मस्ट बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, इसकी वजह से मेमोरी क्या होती है रिफ्रेश होती रहती है अगेन एंड अगेन। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेमोरी इज दैट एक्स्ट्रा टाइम सिग्नल, इसमें क्या होता है टाइम लग जाता है, हम छोटू को बोलेंगे पानी ला ना भाई, वो टाइम लगाएगा क्योंकि हमको वो चीज़ उसको बहुत बार रिपीट करनी पड़ रही उसके बाद लग जा रहा है। उसी तरह से डायनेमिक रैम पे एक ही प्रोग्राम करने टाइम आपको बार बार उसके प्रोसेस को रिपीट करना पड़ रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है इसके वजह से। बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ एडवांटेज लो पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन लो है ना, ठीक है पावर कंजम्पशन लो है एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल टू यूज 1 MB मेमोरी फॉर द बिग साइज एज डायनेमिक मेमोरी इज प्रेफर टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन लो होता है। ठीक है, रैम्स आर चीपर देन द स्टैटिक रैम, कौन से रैम चीपर होते हैं, डायनेमिक रैम चीपर होते हैं देन द स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम कैसे तो फास्ट होते, एक बार कहा उसको पानी लाओ वो जाके ले आएगा, पर वो क्या होता है एक्सपेंसिव होता है, वो महंगा होता है। ठीक है, वो नॉट अ बजट फ्रेंडली। ठीक है, अभी हम रोम के बारे में बात करें, रोम क्या होता है, रोम से तो रीड ओनली मेमोरी दैन नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरीज, वो कैसे है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है मतलब कि उसका मेमोरी बंद नहीं हो जाएगा कटने हो जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा जब तक आप उसे कट नहीं करते। ठीक है, पावर सप्लाई का कुछ कहने नहीं है उसको। ठीक है, मेमोरीज बिकॉज ब्रेक इन द पावर सप्लाई डज नॉट लूज इट्स डेटा, जो डेटा है उसका लूज नहीं होता। मास प्रोग्रामेबल रोम विच आर सिंपली नोन एज आर रोम्स, the main feature of this type is that manufacturer in mass production decide the contents of memory and the data is stored permanently at the time of manufacture of the memory. Once this memory is programmed, the change in the stored data is not possible. इसमें जो है ये mass programmable है, इसको हम ROMS बोलते हैं, इसका main feature क्या है तो ये mass production को decide करता है memory को content रहता है। ठीक है, इसका जो डेटा है परमानेंट रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो कर दे। ठीक है, द चेंज इन द स्टोर डेटा इज नॉट पॉसिबल, डेटा चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हमने लिख दिया अभी क्या एंटर दबाओ रिफ्रेश हो गया, स्टोरेज मैथमेटिक फंक्शन लाइन साइन कॉस एंड लॉक। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इज अ PROMs। The basic difference between the ROM and PROM is the case of ROM manufacturer decide the data of the memory, and in case of PROM, the user can decide the data of memory by special method of programming.
बट वंस अ पीरोम इज प्रोग्राम इट कैन नॉट बी अल्टर्ड अगेन एंड अगेन इट कैन नॉट बी प्रोग्राम ओनली वंस दिस इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल स्पेशल पीरोम प्रोग्राम्स आर अवेलेबल बट दिस आर मोर एक्सपेंसिव ये जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है ठीक है पीरोम्स क्या होते हैं प्रोग्रामेबल कैसे होते हैं एक बार प्रोग्राम करो सिर्फ एक बार ठीक है सिर्फ एक बार प्रोग्राम करो हाँ ठीक है बार बार अल्टर आप नहीं कर सकते यूज़ कर सकते हैं ठीक है पर ये एक्सपेंसिव होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये ऐसे पड़ते नहीं ठीक है नॉट बजट फ्रेंडली ठीक है इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इज ई पी रोम्स ठीक है इरेजिबल भी है प्रोग्रामेबल भी है और रीड ओनली मेमोरीज है मतलब कि मेन फीचर ऑफ दिस मेमोरीज आर रीप्रोग्रामिंग एंड इरेजिंग हम इसको क्या करते हैं प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं डेटा को इरेज कर सकते हैं राइट कर सकते हैं इज अ पॉसिबल है नेम इज इरेजिबल पी रोम्स एंड ई पी रोम कैन बी प्रोग्राम नंबर ऑफ टाइम कितने भी टाइम्स करो ना क्या फर्क पड़ता है इरेज करो डाल दो इरेज करो डाल दो कितने भी बार करो ठीक है नंबर ऑफ टाइम द यूजर कैन इरेज डेटा बाय एक्सपोजिंग देम टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट बट द मेन डिफिकल्टी टू द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग द यूजर मस्ट डिसकनेक्ट द मेमोरी फ्रॉम द मेन सर्किट हमको सिर्फ उसको जो है मेन सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है ठीक है अनदर डिफिकल्टी वाइल इरेजिंग द ओल्ड डेटा इज दैट इफ इट इज नॉट इरेज अगर पहले का डेटा इरेज नहीं है तो उसको याद आ जाएगा वो अगला डेटा नहीं लेगा उसको पहला पूरा ही साफ चाहिए ठीक है पहले तो उसको पहला रूम फुल क्लीन होना चाहिए उसके बाद ही वो आएगा ठीक है दिस इज यूजर कैन नॉट करेक्ट और इरेज द ओल्ड डेटा आफ्टर प्रोग्रामिंग द न्यू डेटा ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीप्रोग्रामिंग इज कंपेरेटिवली मोर ठीक है इसको जो रीप्रोग्रामिंग जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है कंपेरेटिवली मोर लगता है इलेक्ट्रिकली अल्टर टेड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी दैट ई ए पी रोम दिस इज नोन एज ई रेस टू पावर टू पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम मतलब कि इलेक्ट्रिकली होता है ठीक है हमको जाने के बाद मेमोरी को निकलने की जरूरत इलेक्ट्रिकली होता है द मेथड ऑफ इरेजिंग द डेटा इज डिफरेंट इन दिस केस डेटा इज अल्टर इलेक्ट्रिकली बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं उसके क्या होता है कि वो जो कनेक्शन टूट जाता है लग जाता है डेटा इरेज हो जाता है और डेटा बच भी जाता है ये इलेक्ट्रिकली होता है ठीक है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली अल्टर्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज रिमूवल ऑफ मेमोरी फ्रॉम मेन सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट दैट ई पी रोम से वजह से ये जो है कम टाइम लेता है उसके बाद है पीसी स्पेसिफिकेशंस पीसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ सिंगल यूजर कंप्यूटर ऑपरेशन सिंगल यूजर मतलब कि पर्सनल है ना आपका है ना आप यूज करो बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर इन द मार्केट ये बहुत पॉपुलर होता है शोज अ टिपिकल पीसी सिस्टम मोस्ट ऑफ द पीसीज आर आईबीएम पीसी तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फिगर पीसी विथ मिनी पावर ठीक है मिनी टावर यहाँ पर जो फर्स्ट पीसी ना ये जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर विथ मिनी टावर कैबिनेट ये जो कैबिनेट है वो मिनी टावर है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कैबिनेट मतलब क्या होता है कुछ फर्क नहीं है ये जो कैबिनेट है ना ये कैबिनेट यहाँ पर वर्टिकल है ठीक है मैंने वर्टिकल लगाया है यहाँ पर कैसे लगाया मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया मतलब कि सिर्फ मैंने इसे टेढ़ा कर दिया पर इसके जो अंदर का जो सब्सटेंस होता है जो HDD होती है वो हार्ड डिस्क होता है उनको हम क्या करते हैं हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टू चेंज करते हैं ठीक है सिर्फ इसकी टाइप बदल जाती है आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो नहीं चेंज होता व्हाइल परचेसिंग द पीसी यूजर मस्ट नो फ्यू स्पेसिफिकेशन टू नो द अबाउट द कंप्यूटर मशीन एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन एज अ जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या यूज होता है हार्डवेयर में क्या यूज होता है स्पेसिफिकेशन क्या लगते हैं रैम कितने लगते हैं ये सब आपको जानना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज ठीक है अब पीसी कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन पीसी बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यूज होता है ठीक है फ्यू ऑफ देम आर डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP डेटा एंट्री वर्क मतलब कि अगर हम किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करें तो हम सिर्फ उस के ऊपर डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं वेरियस जॉब वर्क्स प्लेइंग वीडियो गेम हम वहाँ पर वीडियो गेम्स खेल सकते हैं बहुत सारे हाई क्वालिटी के गेम्स होते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का गेम्स हो गया बहुत सारे गेम्स है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स है बहुत सारे जो हाई क्वालिटी गेम्स है वहाँ पर खेले जाते हैं प्रोग्रामिंग बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर सके ड्राइंग कर सकते एटसेट्रा वर्क जो है पीसी के अंदर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आप कर सकते हैं द पीसी स्पेसिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन इजीली गेट आइडिया ऑफ योर पीसी मशीन सच एज हाउ मच इज फास्टर योर पीसी कितना फास्टर है व्हाट पेरिफेरल्स आर अवेलेबल विथ योर पीसी
क्या क्या डिवाइसेस आपके पीसी के साथ अवेलेबल है, इनपुट है आउटपुट है और उनके अंदर कौन से है, हाउ मच लेटेस्ट योर मशीन एंड सो ऑन, कितनी लेटेस्ट मशीन आप यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत सारे और भी क्वेश्चन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पीसी, PCXT and PCD. These are the models in the beginning. There are where PCs with low speed and without hard disk. PCXT use are the modified and extended version of PC with better speed. XT stand for extended technology. ठीक है, XT मतलब extended technology. And now we can use the PCAT where AT stand for advanced technology. अगर आपको advanced technology का PC चाहिए तो आपको PC के सामने AT लिखा हुआ चाहिए, अगर आपको extended technology चाहिए तो PC के आगे आपको जो है XT लगा हुआ चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर XT, पर्सनल कंप्यूटर AT मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी AT। PC80 starts with 286, 386, 486, then the Pentium 2। हम आपको एक बात तो पता होगी, क्या पता होगी कि जो पुराने जो पीसी थे उनके अभी जो है इंटेल आता है, ठीक है, इंटेल के अंदर i3 आता है, i5 आता है, i7, अभी तो i9 भी आ चुका है, उसके पहले जो है इंटेल का जो पेंटम प्रोसेसर आता था, पेंटम 2 आता था, पेंटम 1 आता था, उसके पहले 286, उसके बाद 386, 486, उसके बाद पेंटम 1, पेंटम 2, उसके बाद आ गया i3, i5, i7, i9, i3 के अंदर भी आते हैं 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 11th जनरेशन, 10th जनरेशन, इस तरह से जनरेशन वाइज चेंज होता रहता है, ठीक, उसके वजह से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है कंप्यूटर की, आप कौन सी स्पीड वाला यूज़ करें। Today the most advanced and the fastest PC is the Pentium 3. Normally the manufacturer and PC dealer specify the following technical specification. क्या क्या स्पेसिफिकेशन चेक करनी चाहिए, अगर आप न्यू पीसी ले रहे हैं तो आपको देखनी चाहिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइंग द पीसी स्पीड, पीसी की स्पीड चेक करने का क्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसके बाद प्रोसेसर का टाइप क्या है, इंटेल का कौन सा प्रोसेसर है, जी i3 है, i5 है, i7 है, i7 बहुत महंगा आता है, i9 तो और उससे महंगा आता है, i5 उससे थोड़ा सस्ता आता है, i3 थोड़ा और सस्ता आता है, आपके बजट के अनुसार, ठीक है, हार्ड डिस्क कैपेसिटी, हार्ड डिस्क कितने की है, 1 TB स्टोरेज है, 2 TB स्टोरेज है, कितनी स्टोरेज है जी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क है क्या उसमें, फ्लॉपी ड्राइव है क्या उसमें, उनकी साइज क्या है, कैश मेमोरी कितनी है उसमें, मतलब कि रैम की साइज कितनी है, एक्सटेंडेड रैम लगा सकते हैं क्या, कितनी लगा सकते हैं, सीरियल नंबर क्या है, पैरेलल पोर्ट कितने हैं, आपको उसमें जो है HDMI पोर्ट मिल रहा है क्या, VGA पोर्ट मिल रहा है क्या, आपको ऑडियो जैक मिल रहा है क्या, ये पोर्ट आपको चेक करना है, डिवाइस लाइक प्रिंटर हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या, मोडेम कनेक्ट कर सकते हैं क्या, माउस कनेक्ट कर सकते हैं, माउस करना है तो क्या कर रहे हैं हम, USB कनेक्शन चेक करेंगे, USB पोर्ट है क्या, अदर फैसिलिटी लाइक मोडम, मल्टीमीडिया एंड साउंड ब्लास्टर कार्ड, UPS, TV, TV ट्यूनर कार्ड, एटसेट्रा। लेट अस सी टू टाइप्स ऑफ PCs एंड देयर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, हम टू टाइप्स ऑफ PC देखेंगे और उसके जो है स्पेसिफिकेशन देखेंगे, तो इस तरह से अभी दिस स्पेसिफिकेशन में चेंज एज पर द जनरेशन एंड PC डेवलपमेंट, PC3 लेटेस्ट, PC 486 ओल्ड, ठीक है, हम कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है, ओल्ड और न्यू में, ठीक है, यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इंटेल का पेंटम 550 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, यहाँ पर इंटेल का DX2 है, यहाँ पर इंटेल A10 चिप सेट है, यहाँ पर इंटेल का मदरबोर्ड है, मतलब कि ये कम है, ठीक है, ये ऐसे कम है, हर चीज़ में ऐसे कम है, ठीक है, 32 MB रैम है, यहाँ पर 8 MB की रैम थी, यहाँ पर 15 कलर मोनिटर था, यहाँ पर 40 इंच का VGA मोनिटर था, ठीक है, यस VGA अच्छा है उसके, फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB की थी, यहाँ पर 1.44 MB की है, यहाँ पर 8.4 GB की हार्ड डिस्क थी, यहाँ पर 540 MB की हार्ड डिस्क थी, अभी तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस आया, यहाँ पर इंटेल का i7 आ जाता है, यहाँ पर रैम भी बहुत ही MB में नहीं थी, रैम GB में आ जाती है, 32 GB भी रैम है, यहाँ पर एप्पल के जो PCs है, एप्पल के जो मैकबुक्स है, यहाँ पर रैम बहुत ज़्यादा आ जाता है, एप्पल का जो मैकबुक प्रो है वहाँ पर आपको 128 GB इतनी रैम भी मिल जाती है, ठीक है, वो बहुत एडवांस PC आ गए वो, ठीक है, CD ROM, ठीक है, स्पीकर, इंटरनल मॉडेम, साउंड कार्ड, UPS, ये सब आपको पेंटम 3 में जो है मिल जाती है लेटेस्ट में, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बुक लेटेस्ट है, अभी तुलना इससे नहीं कर सकते, ठीक है, आपको सेकेंडरी
मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दीज आर द कनेक्टेड विद द मेन सीपीयू एज एक्सटर्नल मेमोरीज नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरीज. दे हैव वेरी लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी. द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू इज अ प्राइमरी मेमोरी. इट इज नॉट सफिशियंट फॉर नॉर्मल ऑपरेशन एंड स्टोरेज. मोर पॉपुलर सेकेंडरी मेमोरीज आर एक्सप्लेन बिलो. ये जो सेकेंडरी मेमोरीज है ना, हमारा डेटा अगर फुल हो गया इंटरनल मेमोरी के अंदर, हमको अगर और भी सेव करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करेंगे. बहुत ज़्यादा उसमें जो है कैपेसिटी आ जाती है. तो उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क है, उसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क. ठीक है, उसमें मैग्नेटिक डिस्क कैन बी आल्सो यूज्ड एज ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस. जो हम इनपुट और आउटपुट दोनों की जरा से यूज़ करें. एज एन ऑक्सिलरी कंप्यूटर्स मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क आर वेरी पॉपुलर विथ मॉडर्न कंप्यूटर. ठीक है, अ मैग्नेटिक डिस्क इज सिमिलर टू अ ग्रामाफोन रिकॉर्ड बट इट इज कोटेड विद अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, वो जो है कोटेड होते हैं एज अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से ऊपर एंड रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड 108,000 और 3600 RPM. RPM का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट. एक मिनट में वो जो है 3600 रिवॉल्यूशन कर जाता है, मतलब खुद के एक्सिस पे उतना बार वो जो है रोटेट हो जाता है. रिवॉल्यूशन पर मिनट विद द हेल्प ऑफ बोथ डिवाइसेस वी कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑन द डिस्क. ठीक है, अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सर्वल कंसेंट्रिक ट्रैक्स ऑन द अदर इंफॉर्मेशन इज स्टोर मैग्नेटिकली. बोथ साइड ऑफ डिस्क आर यूज्ड अ मल्टी डिस्क सिस्टम इन द शोन इन द फिगर माउंटेड हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू ईच अदर एंड सेंट्रल स्पिंडल. द डिस्क पैक कैन बी माउंटेड और रिमूव्ड बाय डिस्क ट्रांसपोर्ट दैट परमानेंटली कनेक्ट टू द सेंटर. मतलब कि जो उसके ऊपर जो जो कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क का जो है ऐसा निकलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही माइनोट पार्टिकल जैसा उसमें राइट किया होता है और अगर उसमें धूल चली जाती है तो वो डेटा आपका करप्ट हो सकता है. क्यों? इसलिए वो जो है हाईली सिक्योरिटी के अंदर वो एयर टाइट तरीके से उनको जो है पैक किया होता है. ठीक है, आप घर में उसको खोलने की ज़रूरत मत करना, आपकी जो डेटा है वो निकल जाएगा. कनेक्ट टू अ सेंट्रल प्रोसेसर द डेटा ट्रांसफर टू डिस्क मेमोरी कैन बी सीरियल ऑल पैरेलल. ठीक है, इन द वन हर्ड पर ट्रैक सिस्टम द ट्रांसफर इज सीरियल बट इन द ईज ऑफ मल्टी हेड सिस्टम होल वर्ड मे बी एक्सेस्ड इन द पैरेलल. इन दिस केस बीट्स ऑफ द सेम वर्ड आर ऑन द डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो उसमें बीट्स होते हैं, बीट्स के ऊपर डेटा जो है रेट किया होता है. ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो ऐसे लाइन्स है डॉट 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 डॉट, ये जो लाइन्स है ना ऐसे कर्वी लाइन्स, ये जो है डिस्क है. ठीक है, डिस्क के ऊपर एक फर्स्ट डिस्क सेकेंड थ्री फोर फाइव से ये जो है सब मिला के एक बहुत बड़ी जो है लार्ज डिस्क बन जाती है और ये डिस्क ऐसे सेंट्रल में से क्या होती है रोटेट होती है. ठीक है, ये ऐसे रोटेट होती है. रोटेट होते समय जो लेफ्ट साइड का जो ये पार्ट है उसमें जो है रीड राइट करता है और रीड भी करता है. ठीक है, और ये स्टोरेज मीडिया का काम करते हैं जो ऊपर नीचे वाला जो है मेटल वाला पार्ट होता है. ठीक है, ये हार्ड डिस्क का जो है मैकेनिज्म है. ठीक है, और ये फ्लॉफी डिस्क है. ठीक है, ये फ्लॉफी डिस्क है और ये हार्ड डिस्क है. ठीक है, ये फ्लॉफी डिस्क और हार्ड डिस्क में इन तरह का मैकेनिज्म है. तो फ्लॉफी डिस्क में क्या है, फ्लॉफी डिस्क गेट इन द नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल. फ्लॉफी डिस्क क्यों बोला, तो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से बन जाती है. द प्लास्टिक बेस इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड. जो प्लास्टिक का बेस होता है ना वो आयरन ऑक्साइड से कोटेड होता है. आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फ्लॉपी डिस्क का बेस किससे कोटेड होता है, आपको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड. जनरल नॉलेज की तरह से याद रख सकते हैं. ठीक है, रिकॉर्ड ऑन द सरफेस सिमिलर टू दैट ऑफ हार्ड डिस्क. डेटा इज रिकॉर्डेड एज अ टाइनी इनविजिबल मैग्नेटिक स्पॉट्स ऑन द कोटिंग. दिस डिस्कजेट्स आर अवेलेबल इन 3.5 इंच 5.25 इंच 8 इंच डायमीटर. द फ्लॉपीज हैव अ स्पीड लिमिटेशन दिस एक्सेस टाइम इज लो. स्पीड इज अबाउट 366 RPM एंड द ट्रांसफर डेटा ऑफ 20 KB. आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में जो डेटा था वो 1000 RPM में रीड हो रहा था और ये 336 RPM. मतलब कि ये फ्लॉफी डिस्क थोड़ी सी कैसी है, कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, फ्लेक्सिबल डिस्क इज इंक्लोज्ड विद इन द स्क्वेयर प्लास्टिक और कार्डबोर्ड जैकेट ऑफर्ड
refer to a cartridge. The jacket gives handling protection to a disc surface. Moreover, it has a specialer liner that provides a wiping action to remove the dust particle. उसके अंदर जो है ना wiper भी होता है, मतलब कि ऐसा एक action होता है जो आप इस्तेमाल करने के बाद जो है dust particle remove हो जाते हैं, ठीक है, which are harmful for a disc surface and the read and write head. ठीक है, the discs are mounted on the discs right along the jacket cover and the information is written read through the aperture in the jacket. The cartridge can be very easily loaded into unloading from a dry unit. ठीक है, अभी हम फ्लॉपी डिस्क के कुछ एडवांटेज देखेंगे. ठीक है, एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इनकोडिंग ऑन टू डिस्क, डिस्क में डायरेक्ट डाल सकते, ईजिली ट्रांसपोर्टेबल, ऐसा मतलब इजी टू यूज है ना, हम लेके जा सकते, मल्टीपर्पज स्टोरेज भी यूज कर सकते, इनपुट भी तरह यूज करते, आउटपुट की तरह भी हो सकते हैं, रिलेटिवली चीप है, आपको आसानी से वो मिल भी जाते हैं और पैसे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, इट कैन बी रिज्यूम मेनी टाइम्स लाइक ऑडियो टेप. ठीक है, रीयूज कर सकते हैं ऑडियो टेप की तरह बहुत बार. डिसएडवांटेज क्या है, फ्लॉपी डिस्क आर इन टू बट इसको जो है केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज हीट, डस्ट, ह्यूमिडिटी, इसके वजह से वो जो है खराब हो सकता है. मैग्नेटिक टेप, अभी मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड यूज फॉर लार्ज डेटा स्टोरेज एंड इंटरचेंज, इट इज अ नॉन एड्रेसेबल मेमोरी, ईच रिकॉर्ड इज शेयर्ड वन आफ्टर द अदर इन द सिक्वेंस व्हेन अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज टू बी एक्सेस्ड. मैग्नेटिक टेप क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी को सिक्वेंस की तरह हमने अरेंज कर दिया, यूज करें लास्ट डेटा को इंटरचेंज करने के लिए. नॉन एड्रेसेबल डेटा मतलब जो डेटा हमको पता नहीं कहाँ रखना है उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक सीक्वेंस के, विच पर्टिकुलर रिकॉर्ड टू एक्सेस, इट एक्सेस द होल प्रीवियस रिकॉर्ड, जो प्रीवियस रिकॉर्ड को जो एक्सेस कर सकते हैं सीरियली, टिल इट रीचेस द डिजायर रिकॉर्ड, आपको जो डिजायर रिकॉर्ड चाहिए, आपको जो चाहिए उस तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप उसे रीयूज कर सकते हैं. ड्यू टू दिस एक्सेस मेथड ऑफ मैग्नेटिक टेप, इट टेक्स लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज, आप क्या कर सकते, इसे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइस, रिजल्टिंग इन वेरी लो स्पीड ऑपरेशन. जो मैग्नेटिक टेप है, स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ऑडियो और वीडियो टेप, ब्राउनिश इन द कलर, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रील विद द हाफ इंच विड्थ. ये जो है ना थोड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है, इट इज अ प्लास्टिक टेप विद अ फेरोमैग्नेटिक कोटिंग, इसको फेरोमैग्नेटिक कोटिंग, जो प्लास्टिक टेप होती है, द डेटा इज स्टोर विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग हेड जस्ट लाइक ऑडियो टेप रिकॉर्डर एज शोन. ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक टेप की डायग्राम है. ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा. ठीक है, बहुत ही पॉसिबिलिटी जो है लो है इसकी. ठीक है, आ गया तो आपको थोड़ा ध्यान में रख के कंसेप्चुअल बेस पे आपको एक्सप्लेन कर सकते हो, बाद में इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. कंप्यूटर फंडामेंटल, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द पोलराइजिंग मैग्नेटिक लाइन शोन इन फिगर. द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल वेरीज फ्रॉम जीरो एंड वन, जीरो एंड वन के अंदर, मतलब एक तो ऑफ एंड ऑन. द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द टर्म्स ऑफ कोड लाइक EBCDIC. अगर आपको EBCDIC कोड नहीं पता तो आप देख सकते हैं मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल चुका है. ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने EBCDIC कोड और भी ACIC कोड, ASCII कोड जो है सभी की इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में दी है, आप जाके देख सकते हैं. एंड द टेप कैन बी यूज्ड फॉर द रीड एंड राइट नंबर्स ऑफ टाइम्स लाइक ऑडियो कैसेट. अभी इसके एडवांटेज क्या है, तो एक मैग्नेटिक टेप कैन बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग मेनी टाइम, बहुत टाइम रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं. इट इज इकोनॉमिकल एंड कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं. मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है ना, 1 TB, 2 TB, 3 TB, हजार हजार जीबी तक. डिसएडवांटेज क्या है फिर इसके, ऑपरेटिंग स्पीड लो है, स्पीड थोड़ी कम है. ठीक है, हीट, डस्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट इसको खराब से, इट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉर ड्राई, ड्राई के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है. सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रीड ओनली मेमोरी, ये हम पता है हमारे कंप्यूटर के जो अपर पार्ट में जो एक राइटर होता है, हम इसे DVD राइटर बोलते हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिस्क को डाल सकते हैं, तो वो क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है. सीडी रोम इट एडवांस वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क, आई मीन लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बट कॉमनली यूज फॉर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लाइक जस्ट ऑडियो और वीडियो कैसेट. ठीक है, अब के घर में अगर ऐसे कैसेट होते, ठीक है, ये जो कैसेट होते ना, ये जो डिस्क है
ये 4 GB की अभी आता है, 4.6 GB की अभी आता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो डेटा सेव कर सकते हैं, वीडियो डेटा, ये कॉमनली यूज़ होता है ठीक है रिकॉर्डिंग के लिए। मेन फीचर ऑफ सीडी इज दैट रिकॉर्डेड फॉर बाय स्पेशल टेक्निक इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, ये सब बाइनरी कोड में रिकॉर्ड हो ठीक है। बाइनरी कोड के लिए नंबर सिस्टम वीडियो देखो ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो सॉन्ग वीडियो फिल्म्स आर डन इन टाइम टाइम मैन्युफैक्चरिंग बाय लेजर मस्टेड ठीक है। इनके अंदर जो होता है ये सब ऑप्टिकल सेंसर होता है, ये डीवीडी राइटर के जाने के बाद डीवीडी राइटर में एक ऐसा थोड़ा सा पार्ट होता है, यहाँ पर इस तरह से एक पार्ट होता है जो घूमता है ठीक है, इस तरह से ऐसे घूमता है, वो बैक एंड फोर्थ घूमता है और उसके जो डिस्क के ऊपर इस तरह से स्पॉट कर करके वो रीड करता है कि हाँ अंदर क्या लिखा है, क्या हमने जो कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या लिखा है वो लेजर मेथड के द्वारा हम उसे पढ़ सकें। दिस यूजर कैन रीड इट मीन सीडी प्लेज नेम एज रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम। सीडीज आर यूज्ड व्हेन द डेटा इंफॉर्मेशन इज परमानेंट एंड यूज रिलायबल। द क्वालिटी ऑफ सीडी इज मच एक्सलेंट देन अ नॉर्मल ऑडियो कैसेट बट इज कॉस्टली डिवाइस एंड डेलिकेट टू हैंडल ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर में से हर टॉपिक को पढ़ चुका हो ठीक है। तो अगर आपको कुछ यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता हो ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये लेक्चर अभी 12 इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर फंडामेंटल में यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।